यहाँ पागल आते जाते हैं, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, मगर सच्चा पागल वो पागल है जो पागल बांके बिहार। बोल बांके बिहारी लाल की, चाहे तू रख ले चाहे डुबो दे, चाहे तू फिगर नोट, फूलों में रख चाहे काटे चुबो दे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। हाँ, कितने लोगों कितने लोगों की गाड़ी बाबा भरोसे, तेरे 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 भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरे काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरे काम जाने, 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 तेरे 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 भरोसे मेरी गाड़ी। शाम भरोसे से चल रही है, आवाज कम है अभी, अभी पागलपंती की आवाज नहीं है ताली में, भी अभी थोड़ा स्टैंडर्ड लग रहा है ताली बजाने में, स्टैंडर्ड लग रहा है कि बजाऊं नहीं बजाऊं। अरे जिसने इसके आगे ताली बजा दी, जो बजावे ताली 12 महीने उसके घर में मने होली और दिवाली गई, अब क्या आ रही है होली, तो तालियां जोरदार एक साथ, चाहे तू रख ले। हाँ देखे याद हुआ कि नहीं, चाहे तू रख ले फूलों में रख, चाहे तू रख ले फूलों में रख, चाहे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरे भरोसे।
मेरा कोई नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, जो भी है बाबा बस तू ही तू है, जो भी है बाबा बस तू ही तू है, तेरे जो भी है बाबा बस तू ही तू है, तेरा ही मुझको सहारा। जिनका सहारा बाबा श्याम, हारे का सहारा किन किन का, तो दोनों हाथ पकड़ के, तेरा ही मुझको सहारा, तू जाने तेरे बोलता हूं। ये चार मौके देता है अपने आप को रिझाने के, एक कीर्तन में चार मौके भगत को देता है, पहला भजन गाना, दूसरा ताली बजाना, तीसरा नाच के, और चौथे में दिमाग, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है, इससे नैनों से नैन बड़े बड़े बिल्डर परेशान हो गए, नैन से नैन नहीं मिला पाए। कुछ चुनिंदा भगत है, नरसी मीरा भगत, कनिका कनिका गिद्ध अजामिल, ये भगत है, हमारी औकात नहीं है। तो हम जो तीन काम प्रॉपर कर लो तो बेड़ा, कौन कौन से तीन काम, भजन गाना ताली नाच के, चरणों में मेरे श्याम के, चरणों में मेरे श्याम के, आंसू बहा के दे, किस्मत के ताले खोलना पल भर की बात है, ये इनके पल भर की बात है, पल भर की बात है, चाहे कितनी भी बुरी से बुरी तकदीर वाला चले जाए उसका भी बेड़ा, अरे किस्मत के ताले खोलना पल भर की बात है, ओ भर की बात है, ओ भगवान पल भर की बात है, और एक तेरे कष्ट मिटना पल भर की बात है, ओ भगवान पल भर की बात है, ओ भगवान पल भर की बात है, एक
तेरे कष्ट में तीना बाबा के हाथ है। ओ भगत हो बाबा की गाती है, ओ भगत हो बाबा की गाती है। ओ नरसी अगर यकीन नहीं सेवक यकीन नहीं तो आज माँ के दे बिहारी
हर 11 साहब खाटू बुलाते हैं। हेलो, एक आपका जन्मदिन ऐसा आता है जिस पे आप पूरी दुनिया घुमा देते हो, है जी। और सौभाग्य की बात यह है कि लगातार दूसरे साल आपने ग्वालियर शाम हवेली पे घुमा दिया। बुलारे के सारे की हे जी, बाके बिहारी लाल मने तारी याद सतावे। जीवा के मने करिया, किन किन को याद आ रही है बाबा जी की, किन किन का मन है खाटू जाने का, पीछे वालों को दिख ना रहे, एक बार ताड़ भी जाओ। हे जीवा के मने, और जोर से बोलो, हे जीवा के दो भगत बैठते दरबार में, एक पूरी बॉडी को नचाता है, एक मन को नचाता है। बॉडी को नचाने वाले खड़े हैं, मन को नचाने वाले बैठे हैं। जरा हाथ खोलकर तालियां बजाओ, जो बैठे हैं वो जोर से ताली बजाना। तेरी ताली पर आएगा, तेरी ताली आएगा, तेरे भजनों पे नाचेगा, वो तेरे भजनों पे नाचेगा। तेरी ताली पर आएगा, तेरी ताली पर आएगा, तेरे भजनों पे नाचेगा, वो तेरे भजनों पे नाचेगा। जो तू नाचेगा वो भी संग में नाचेगा, जो तू नाचेगा वो भी संग में नाचेगा। तेरी बाँह पकड़ के संग में आएगा, तू शाम को बना ले तेरे संग में आएगा। इनकी तू ज्योत जगा ले तेरे भाग जगाएगा, इनकी तू ज्योत जगा ले तेरे भाग जगाएगा। फिर हाथ की ताली बजा कर मीठे मीठे भजन सुना दे, ताली बजा कर मीठे मीठे भजन सुना दे। तेरे संग में, तेरे संग में और तेरी पल में ये तकदीर प्रभु बनाएंगे, तेरी पल में शाम तेरी तकदीर बनाएंगे। तू इनके संग में नाचे तेरे संग नाचेंगे, जन्मदिन आया हो, बड़ा बड़ा श्री श्याम जन्मदिन आया, भगतों का मन हर्षाया। श्री श्याम जन्मदिन आया, भगतों का मन हर्षाया। ओ हम मिलकर मिलकर ओ सारे मिलकर बाबा तन में झूम मचाएंगे, श्री श्याम हवे किया है किसी ने, सच में झूठ में सबने माल खाया अभी तक, इसलिए आवाज ना निकल रही है। जरा ताली बजाओ, जरा जोर से बजाओ ताली, जरा जोर से बजाओ ताली, वो तेरी बाबा जी करे रखवाली। इस ताली में बड़े बड़े गुण हैं, इस ताली में बड़े बड़े गुण हैं, इसकी कितनी मीठी धुन है, इसकी कितनी मीठी धुन है। साजी, हे
है ये शाम से मिलाने वाली, है ये शाम से मिलाने वाली, सोए भाग जगाने वाली, ओ सोए भाग जगाने वाली। अभी मैंने भजन सुना कि बाबा जी सिंहासन से उठकर थोड़ी आएंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप सब पद यात्रा करते हो रिंगस से खाटू, कोई ग्वालियर से खाटू, जब आप मंदिर तक पहुंचने लगते हो ना, आपका पूरा साहस टूट जाता है। लास्ट के जो 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर बसते ना, जितना निकट आप आते हो उतना अपना आपके हाथ पैर टूटने लगते हैं। कई बार ऐसा लग जाता है कि बस में बैठ के चलते हैं आप, ऐसी हालत हो जाती है। उस समय भगत परेशान होकर बेबस होकर बाबा को बोलता है, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़। खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथों जोड़ के, अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के। भगत कह रहा है, मेरे लिए तो ये 5 किलोमीटर पहले दरबार सजिया, मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया बाबा जी, अब मेरी हिम्मत नहीं है। अब आपकी हिम्मत है तो सेवक को यहाँ कर ले जाओ, नहीं तो तू जाने तेरो, लेने आ जा और रिंगस के उस मोड़ पे। आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपने आपके चरणों में जगह दे दी, सेवा करने का मौका दे दिया, बहुत है हमारे लिए। अब खाली क्या करना है, लाइन सुनो लाला, जाकू बातें ना करो। हाँ, तुम्हारी बातों बातों में हमारी बात जाती है, घड़ी में देख लो कीर्तन की रात, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, बाबा शाम से मुलाकात भी अभी बाकी है। बाबा जी का चुना चाहे तेरे सब को, खाली क्या चाहिए, पक्की करो। आप सोचो कि आज आपका जन्मदिन है, हम आपको तोहफा दे देंगे, हमारी औकात नहीं है। जिससे हम मांग के खाते हैं उसको क्या देंगे, आपसे हम आपके बर्थडे पर भी लेंगे और खुद के बर्थडे पर भी लेंगे, और आपके बर्थडे पर हम क्या लेंगे, रिटर्न गिफ्ट। पक्की करो, पक्की करो, पक्की करो जी, हम पक्की करो। श्याम भैया कहाँ गए, श्याम भैया परदा से आओ, बाबा जी थाने अठे बुलावे जी, परदा से आओ बाबा जी थाने अठे बुलावे जी, ओ कार्तिक को मेलो चावल जावे जी।
क्या है, श्याम भैया को चिंता नहीं है, उनकी नौकरी परमानेंट पक्की हो चुकी है वहां और तनख्वाह अपने आप बढ़ती रहती है, तो इसलिए वहां ही पकड़ के बैठे हो। और कौन कौन अपनी नौकरी पक्की कराना चाहता है, पक्की करो, पक्की करो, पक्की करो, श्याम पक्की करो। इतने साल से भोकरे में काम चलवा रहे हो, इतनी सी नौकरी से क्या हो, इतनी सी तनख्वाह से, अब परिवार बड़ो है क्यों लाला, अब बाबा थोड़ी सी कृपा करो, अरे आज मेरी तनख्वाह नक्की करो, आज मेरी तनख्वाह नक्की करो, बाबा मेरी नौकरी करो, दूसरे की चौखट पे पाँव ना धरूं, दूसरे की चौखट पे पाँव ना धरूं। बाबा जी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा शाम, मेरी सुबह में शाम, मेरी दोपहर में शाम, मेरी रातों में शाम, मराठो याम मेरे लबों पर एक ही नाम, जय श्री शाम। तो बाबा जी बताओ मैं कहाँ जाऊँ, नौकरी करूँ तो तुम्हारी करूँ, नौकरी करूँ तो तुम्हारी करूँ, अरे दूसरे की चौखट पे पाँव ना धरूँ, दूसरे की चौखट पे पाँव ना धरूँ, हो आज मेरी तनख्वाह नक्की करो, आज मेरी तनख्वाह नक्की करो, बाबा मेरी नौकरी पक्की करो, बाबा मेरी नौकरी पक्की करो, शाम बाबा मेरी नौकरी पक्की करो, बाबा मेरी नौकरी पक्की करो, और इसका सेल चेंज करो ये ताली, जितने ग्वाल बाल सभी इधर, हाँ इधर वृंदावन इधर, और जितने गोपियां बरसाने वाली इधर, हाँ थोड़ी दिखता है, दिखते हुए नजर है, जो नीचे बैठे हैं ना उन पे नजर जानी चाहिए। कौन कौन जाएगा खाटू धाम फागण मेले पे, सारे तो पूरे हाथ पकड़ के, मने बेगोसो भूला ले बाबा थारे खाटू धाम, माने बेगोसो, अरे अरे माने बेगोसो भूला ले बाबा थारे खाटू धाम, माने बेगोसो, ओ छोटी सी अर्जी छे मारी, छोटी सी अर्जी से मारी, छोटी सी अर्जी छे मारी, छोटी सी अर्जी से मारी, एक उठाऊ निशान
दूर से चल करके आया है। मैं ये लाइनें नहीं गाऊंगा, आएगा आएगा, ये लाइनें गाना बेकार है यहाँ। ये ग्वालियर वाले हैं, साला 5 दिन पहले बुला लेते हैं बाबा जी को। नहीं वो तो पहले से आ चुके, जिंदगी भर के वो तो घट घट में, थारे घट में बस है दीनानाथ, मंदिर में काहे ढूंढती फिरे, अरे घट में बसा है दीनानाथ, ओ मंदिर में काहे ढूंढती फिरे। तो बाबा जी तो 52 साल से नहीं आए, जब से सांसें चल रही है ना तब से ही आए हुए हैं, लेकिन अभी उत्सव की बात चल रही है, जिंदगी की बात को नहीं चल रही बाबू जी। एक बार ताली बजा के ये ग्वालियर वाले 5 दिन पहले बुला लेते हैं, क्योंकि इनको भी पता है आजकल घाटों में बहुत भीड़ लगने लगी है। जब सैटरडे संडे को ही 2-3 लाख आ जाते हैं, तो आज प्रेजेंट में कम से कम 8 लाख आदमी घाटों में बैठे हैं। बोल हरे के सहरे की। 8 लाख आदमी बाबा को पकड़ के बैठे हैं घाटों में। उसके बाद ग्वालियर के भक्तों में ये ताकत है कि बाबा को यहाँ बुला लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। बोल हरे के सहरे की। इसी को कहते हैं प्रेम। तालू के साथ बोलना, प्रेम के भावों से कन्हैया तोल देंगे हम। बोला प्रेम के भावों से, सारे बोलना, ये लाइनें पूरे ग्वालियर की आवाज आनी चाहिए। प्रेम के कन्हैया ओ तेरे स्वागत में दरवाजो ये दिल का, प्रेम के भावों से कन्हैया तोल देंगे हो, प्रेम के भावों से कन्हैया तोल देंगे हो। और आया है आया है आया है, खाटू से चल कर के आया है, आया है आया है आया है। में हजारों कीर्तन हो रहे होंगे, लाखों हजारों कीर्तन पूरे दुनिया में हो रहे होंगे बाबा के, फिर भी छोटी सी अर्जी पर ये रुक नहीं पाया है, छोटी सी अर्जी पर ये रुक नहीं पाया है। यहां पर क्या करने आया है, लाया है लाया है लाया है खुशियां लुटाने। दरबार तेरा पहले जैसा नहीं है, क्या ये दरबार तेरा पहले जैसा नहीं है, क्या तू दीनों के खातिर देव वैसा नहीं है, क्या ये दरबार तेरा पहले जैसा नहीं है, क्या तू दीनों के खातिर
अनिवार्य जो भी बात बिल्कुल सही है कहता बनवारी जो भी वो बात बिल्कुल सही है बदल किस्मत बात। मैंने कहा था सारी इंद्रियां खोल के रखना, भजन भी गाना है, ताली भी बजानी है और नाच के भी। एक इंद्री से नहीं मानता, दरबार में पूरा एक्टिव होके बैठना पड़ता है। बाबा तुम सा देव दूजा बदल देता तू किस्मत, बात झूठी। कितने लोग हाथ बांध करके बैठे हैं? हाथ बांध के बैठे? हाँ, हाथ बांध करके नहीं बैठते। अपन ने हाथ बांध लिया तो चल जाएगा, पर बाबा जी ने हाथ बांध लिया चलेगा नहीं? चलेगा ना। तो इसलिए हम कहते दरबार में हाथ खुले रखो, फैला के रखो और जोर से बोलो सवा चार तक ब्रह्म मुहूर्त चलेगा। और इस समय इस घड़ी हम जो कहते हैं, जो मांगते हैं, वो 100% ठाकुर जी के चरणों में जाती है। तो ताली के साथ जोर से हर नजर कदे ना लागे, हो नजर कदे ना लागे, हरी नजर कदे ना लागे। कितनों को श्रृंगार चोखा लाग रहा है, सुंदर, अति सुंदर और सुंदर, जितने हाथ ऊपर उतना सुंदर। हाँ तो कौन कौन नजर काटे को? हो नजर कदे ना लागे, हर नजर कदे ना लागे, हो नजर नजर क्यों ते पड़ा दूज का चांद बाबा नजर कदे ना लागे, ते पड़ा दूज का चांद बाबा नजर कदे ना लागे, ते पड़ा दूज का चांद बाबा नजर कदे ना लागे, ते पड़ा दूज बाबा। देखो जितने हाथ लाल करोगे उतनी शेर की नजर कटती जाएगी। जोर से ताली बजा लो एक बार अपने त्रिलोकीनाथ की नजर काटने के लिए। काला टीका लगवा ले
मैं बढ़िया लोग है भाई जी, माना ज्यादा टूने टाटका कौन है बाबा जी। मैं सीधा साधा जाट सू और बाणे सू, यही कहूँ ये काम कर ले तो तेरी नजर कट सकती है, यही करते ना। ओ काला टीका लगवा ले, ओ नींबू मिर्ची बंदवा ले, बोलो तू नींबू मिर्ची करवा ले। कहे हर्ष सावरा खुद ने निजरा से आज बचा ले, कहे हर्ष सावरा खुद ने नजरा से आज बचा ले। तेरे रुतबे की क्या बात, एमपी में कोई बाबा को जानता नहीं था आई थिंक 5 साल से, नहीं ये तो 52 साल हो गए। दरबार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भक्तों की बात कर रहा हूं। भगत आज किशन बाबा ने पूरे एमपी में बाबा का डंका गुंजायमान किया। बोले शेर प्यारे की, बोले किशन बाबा महाराज की जय। ऐसे ऐसे भगत जब कोई बीड़ा उठा लेते हैं ना तो 100% उसका रिजल्ट मिलता है। अगर आप बीड़ा उठा लोगे कि एमपी में एक भी ऐसा घर नहीं होना चाहिए जहां श्याम बाबा का मंदिर ना हो, कौन कौन वादा करता है। हर गली में गली गली ऐलान होना चाहिए, हर मंदिर में श्याम होना चाहिए, गली गली ऐलान होना चाहिए, हर मंदिर में श्याम होना चाहिए। अभी कोई त्रुटि है तेरा ताली बजाओ बाबा। ये कह रहे हैं हर मंदिर में शाम होना चाहिए, मैं कहता हूं हर घर छोड़ो हर गली छोड़ो, इस मन मंदिर में शाम होना चाहिए। जय हो। इस मन मंदिर में, इस मन मंदिर में शाम है तभी गली गली ज्योत जलाई जा रही है। कर इस मन में शाम न हो तो हर गली में मदिरा उड़ाई जा रही है। मेरा नशा आठों याम मेरे साथ रहता है, जब इनको याद करूं वो सर चढ़कर बोलने लगता है। मैंने ताली ये बात, मैंने बीड़ा उठाया है श्री श्याम का नाम प्रचार करने का। मैंने घर इसलिए नहीं बोला प्रमोद जी क्योंकि घर में बाबा को संभालने की औकात किसी की नहीं है। नियम लेना आसान है, उसको निभाना बहुत कठिन है। इन भक्तों से पूछो सब कुछ छूट जाता है, ना घर होता है ना बार होता है ना शादी होती है ना ब्याह होता है, खाली एक ही होता है जय श्री मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू। Oh!
दुनिया वाले कहते हैं बाबूजी आपने सब कुछ छोड़ दिया, ना शादी में आओ ना जाओ करो, क्या कटे रहो आजकल, आप क्या क्या नहीं खोल रहे, सारे रिश्तेदारी खो दिया आपने। बोला बावड़े तेरे को पता नहीं है मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानू लोग जानते हो कि मैंने दिल लगाया है तो सोच समझ के लगाया है, तो दोनों हाथ खोलकर ताली ऐसी बजा छोड़ छोड़ जी को और श्याम भैया को भी बड़ी पसंद है। उमारा श्याम रंगीला पलका उखाड़ो फागण आ गयो, पता नहीं हकीकत में श्याम भैया मैं आपको देखकर या ग्वालियर वालों को देखकर बात नहीं बना रहा,
आपको पता है मुझे ज्यादा बात करनी नहीं आती, मुझसे भजन पूरी रात गवा लो आप, लेकिन जब भी मैं इस दरबार में आता हूं ना, ऐसा करंट इस बॉडी में दौड़ने लगता है कि जैसे किसी ने 440 नहीं 660 वाट का बल्ब बॉडी में जला दिया हो। जब भी आता हूं दरबार में इनके, ओ मैं खो जाता हूं श्रृंगार में इनके, हो जब भी आता हूं दरबार में इनके, मैं खो जाता हूं श्रृंगार में इनके। गलती इनकी नहीं है, इतने बैठे इन सबकी भी कोई गलती नहीं है। ओ गलती तेरी है सरकार, खाटू दिखा दियो एक बार, गलती तेरी है उसकी गलती है कि वो खाटू बुलाता है और हमारे काम बनाता है, क्यों नहीं जाएंगे। ये बल्ब की बात करते हो, ये बल्ब 1965 में रेवाड़ी से चलकर यहां ग्वालियर आया था। और आज उस बल्ब की लाइफ पूरे 52 साल पूरी हो गई है। इसीलिए भगत आठो याम हर रोज हर ग्यारस हर मावस चरणों में बैठकर कहता है, मेरे सामने सांवरा बैठा है, मेरे सामने सांवरा बैठा है। ये लाइन है भाई गाना, जो महसूस करता है मेरे सामने सांवरा है, मेरे सांवरा बैठा है। जब मैं रोऊं ये भी रोता, जब मैं किन किन को महसूस होता है कि जब मेरा मन उदास होता है मैं बाबा के पास होता हूं तो मैं रोता हूं, तो मुझे महसूस होता है मेरा बाबा भी रो रहा है। एक साल चलो बेटा, हाँ लाला, पंकज जी नजर हटी दुर्घटना, हाँ बैठ जाओ, ये बात नजर मिला दो। हाँ जब मैं रोऊं ये भी रोता, जब मैं रोता, जब मैं हंसू ये हंसता मेरे सामने, जब जब भी इसे पुकारू मैं, जब जब इसे पुकारू मैं, तस्वीर को इसकी निहारू मैं, तस्वीर को इसकी निहारू मैं, ओ मेरे साम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। हमें अपनी आंखों से दूर हम रो पड़ेंगे नहीं कर, अपनों के सताए हैं तेरी शरण में आए हैं, बोलो बोलो, ओ अपनों के सताए ओ तेरी शरण में आए हैं, हारे का तू है सहारा सामने, हमने बोल कहां जाए, नहीं यो सहजा अब बोल कहां जाए, हम है कितने हार परछाई कह रहे,
आंखों से दिल की सच्चाई कह रही है, आंखों से दिल की सच्चाई कह रही है। जो भी दिल की बात दरबार में जाहिर होती है वो आंखों के जरिए होती है। ये नीर जो बहता है रो रो कर कहता है, ये नीर जो बहता है रो रो कर कहता है। इसका कुछ मतलब नहीं होता। भगत के भाव भावना में भाव नहीं, भावना बेकार है। श्याम भैया, भावना में भाव नहीं, भावना बेकार है। भावना में थोड़े से भक्ति के भाव जुड़ जाएं तो भव से बेड़ा। हम कहते ताली बजाओ, हमारे लिए नहीं अपने लिए। आप ताली बजाओगे जिस भाव में कि दरबार तेरा दरबारों में कुछ खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिलता है जो जैसी नियत रखता है। जिस नियत से ताली बजाओगे वो सब पहचान लेता है। एक भगत होता है कि मनीष जी कह रहे ताली बजानी है, बजा लो फिर 5 मिनट बैठ जाओ। एक भगत वो होता है जो इसको देखता रहता है, पूरे कीर्तन में ताली बजाता रहता है, उसकी आंखों से आंसू बहता रहता है। उसको मतलब नहीं है संजय पारिक जी आ रहे हैं, श्वेता जी आ रही है, मनीष जी आ रहे हैं या लखा जी आ रहे हैं, किसी से मतलब नहीं है। उसको ये मतलब रहता है कि कब मेरा बाबा आ रहा है और कब जा रहा है, बस मुझे इतना पता है। दोनों हाथ पकड़ के एक साथ ताली बजाना जोरदार, आपके भाव दिखा देना एक साथ। से चाहे हम पे ये कितना जमाना, हंसे ये कितना जमाना, संजू कन्हैया से नाता है पुराना, शेरा भी कर से नाता है पुराना। इनका 52 साल से हो गया, मेरा 32 साल से हो गया और आपका 2-5 साल से तो हो ही गया होगा। तो दोनों हाथ पकड़ के एक लाइन जरूर गाना जिनको संतोष है इस बात का। संतोष यही मन में हो, ताली। संतोष यही मन में तुम हो मेरे जीवन में, संतोष है। किन किन को संतोष है कि मेरे साथ कन्हैया मेरी ना डूबे, तो पूरे हाथ खोलकर ताली इसके साथ ये बोलना, हारे का तू है सहारा सवेरे, हमने तुमको पुकारा सवेरे, हारे का तू है सहारा सवेरे, हमने भी तुझको पुकारा सवेरे। हम मेरी लाज रखना मेरी, और तेरे द्वारे तेरी शरण में आया मैं बाबा, और तेरे द्वारे आया मैं बाबा, और तेरी शरण में आया मैं बाबा। मेरी बात रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। बाबा जी तू है दाता और मैं हूं भिखारी, तू है दाता ओ बाबा और मैं हूं भिखारी। अब ये बता कैसे निभेगी तेरी मेरी यारी, कैसे निभेगी है फूल तेरी मेरी यारी। छुपो नहीं बाबा जी, बन के भिखारी खड़ा मैं बाबा, बन के भिखारी खड़ा मैं बाबा। आप मुझे 100 करोड़ भी दे दोगे ना तो भी
भाई जी, श्याम भाई जी, बाबा जी 100 करोड़ भी दे देंगे ना, तब भी यही लाइने गाता रहूंगा। बनके भिखारी खड़ा में बाबा, बनके भिखारी खड़ा में बाबा, मेरी झोली भरे ना इतना बता दे क्या काम चला, पूरे गांव की सुन लेता है, आता नहीं कुछ समझ ये मुझे है, आता नहीं कुछ समझ ये मुझे क्यों। आवाज होनी है तुम चाहता, आठो याम एक ही कृपा चाहता हूं, बुरे कर्म से तू मुझे बचाना, बुरे कर्म से सारे बोलना मुझे बचाना, अपनी शरण में मुझे देना ठिकाना, अपनी शरण में मुझे देना ठिकाना, मेरी भवसागर से मेरी भी नैया भवसागर से तू पार करना, मेरी लाज रखना, विशाल कीर्तन महोत्सव बड़े धूमधाम से शनिवार 26 नवंबर 2022 को मनाने जा रहा है। आपका अपना सुंदरकांड परिवार, पाठ परिवार तालों के साथ स्वागत करें, भगत जी खड़े हैं और सबने चलना है पूरी मस्ती के साथ। ब्रह्मलीन आदरणीय श्री कृष्ण बाबा जी के सानिध्य में और सावित्री बाई जी के सानिध्य में दरबार चलेगा। मिल्क प्लांट रोड नियर डीएवी पब्लिक स्कूल बल्लभगढ़ अग्रवाल कॉलेज में आप पधारेंगे, जो पधारेंगे दोनों हाथ ऊपर करके अपनी हाजिरी लगाएंगे। 25वां विशाल कीर्तन
किशन बाबा और सावित्री बाई के सानिध्य में होने जा रहा है। और तमन्ना ये है बाबा, सुबह 10 बजे चालू हो करके दूसरे दिन 10 बजे तक तुमको रिझाएंगे। भजन प्रभाग बहुत हैं, किस किस को बोलू और किस किस को छोड़ू। जो उस अखाड़े में आ जाएगा कुछ ना कुछ जरूर लेकर के जाएगा। जो कलाकार सामने आके बैठा है, इससे बड़ा कलाकार दुनिया में कोई नहीं है। वहम है मेरे मन का, अगर मैं खुद को कलाकार मान लूंगा, बस आपके दिलों में बैठना मैं भूल जाऊंगा। दिल में वही जगह बनाता है जो शाम का सेवक बनकर रहता है। और शाम सेवक मंदिर वाला नहीं, शाम सेवक जो शाम प्रेमी संग बाबा को नाच रिझाता है। जरा ताली बजाकर मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। मैं तुम्हें मनाऊं, बोलो ना, हाथ जोड़ कर मैं तुम्हें मनाऊं। ये बॉक्स हॉस्पिटल जितने मंदिर के पास बैठे बॉक्स में, ये सारे परिवार के हैं, आधे से ज्यादा है ना, ये ऐसे बैठे जैसे सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। ये सारे परिवार के नहीं है, जो सुबह 5 बजे तक आरती में बैठेंगे वो सारे परिवार के। अच्छा ये जल्दी जाके सो जाएंगे। अच्छा ताली बजाओ एक बार, भजन की आवाज नहीं आ रही आपकी, ताली की आवाज नहीं आ रही, नाचने की छनछन भी नहीं आ रही है ना, खाली बैठे हो बस कि प्रसाद कब मिलेगा, इसीलिए सबसे आगे बैठे हो वहां पर कि प्रसाद मिले और जाके सो जाए। नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा प्रसाद। प्रसाद उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। जरा ताली बजाकर मेहनत करना। एक साथ कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे, तेरा सावरे सवेरा तेरे नाम से, मेरा सावरे सवेरा तेरे नाम से, हो तेरे नाम से ही जिंदगी की शाम सावरे। कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे, कभी रूठना ना मुझसे तू शाम सावरे, मेरी जिंदगी है जोड़ कर मैं तुम्हें मनाऊं। हाथ जोड़ कर बोलो मैं तुम्हें मनाऊं। दूर से आंख के आंसू तुम्हें भेंट चढ़ाऊं, आंख के आंसू तुम्हें भेंट चढ़ाऊं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आंख के आंसू तुम्हें भेंट चढ़ाऊं। बनवारी इस मोती समझ कर, बाबा जी इस मोती समझ कर स्वीकार करना। रखना बोलो
कितने लोग धमाल करना चाहते हो? धमाल सुनाई को नहीं जावे, धमाल मचाई जाती है। और अब तो आज तो वैसे ही लीगल धमाल चालू हो गई, क्योंकि कार्तिक 11 समाप्त होने को आ गई और फागण मेले की रुत निकट आ गई। कौन कौन चल रहा है फागण मेला? 25 फरवरी से स्टार्ट, 5 मार्च 2023 तक चलेगा। कौन कौन चल रहा है दरबार में? शाम को याद न आए, शाम को याद न आए, हमें तो खाटू जाना जी बुलावा। कितने लोग बुलावे का इंतजार करोगे और कितने बिना बुलाए जाओगे? जाएंगे ना तो दोनों हाथ पकड़ के मिलकर ताली बजाकर बोलना, वो आने वाला है। सब झूमो नाचो, वो तो आने वाला है। क्या कर रहा है? पगड़ी बांध रहा है। भरोसा किसको है? आने वाला है, बस आता जाता रहना पड़ेगा उसको, क्योंकि इतने सारे कीर्तन हो रहे, आ भी रहा है, जा भी रहा है। जहां आपने लिंक तोड़ दिया ना, वहां इसका मन खत्म हो जाता है, ये दूसरी जगह चले जाता है। देखो जहां भाव की ताली बज रही होगी, जहां भाव में आनंद आ रहा होगा, बाबा वहीं चला जाएगा। जरा हाथ खोल कर ताली बजाना। वो सब झूमो नाचो, वो आने ओ पगड़ी बांध रहा है नीले चढ़ने वाला है। ओ पगड़ी बांध रहा है नीले चढ़ने वाला है। अरे हम बाराती बाबा दूल्हा बनने वाला है, हम बाराती बाबा दूल्हा बनने वाला है। अच्छा कितने बाराती, कितने नाचोगे? खड़े मत होना, अभी हाथों को ऊपर करो। जितने हाथ ऊपर है आगे से पीछे, सब हाथ ऊपर ताली बजाकर। पगड़ी बांध रहा है का। किस किस की सबकी है? पीछे वालों किस किस का मन है अपने
घर में बाबा को बुलाने का। ये लाइनें गा रहा है साथ। तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, दबागे। तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन मुझे पता था यही लाइनें गाओगे। इतिहास किसकी औकात है बनाने की है? बना सके कोई नहीं ना। एक लाइन बताता हूँ वो अच्छी लगे तो वो गाना, और इतिहास बनाने वाले अच्छे के लगे तो वो गाना। कीर्तन कराऊं ऐसा सेवक बन जाऊंगा, कीर्तन ऐसा सेवक बन जाऊंगा, श्याम भक्त जग में बड़े मैं इनको करूं। बहुत जल्दी समझ गए, सच्चे प्रेमी समझ जाते हैं कि हमें इतिहास नहीं रचना हो। रावण ने भी सोचा था इतिहास बनाने का, नहीं बना पाया तो हमारी क्या औकात है। तो दोनों हाथ पकड़ के ये लाइनें बोलना, बहुत प्यारी लाइनें, मेरे दिल छूती ये लाइनें। मैं भाई भतीजो के, एक साथ चलो बाबू भगाओ मत है। ओ मैं भाई भतीजो कुर्ते, ब्याण जी ध्यान आ जो ब्याह जी ने याद दिला दीजिए है। मैं भाई भतीजो के कुर्ते और बहन बेटियों के बनवाऊंगा। इन्होंने साड़ी नहीं बोला किसी ने भी, इनको समझ में आ गया अब कि साड़ियां तो 12 महीने कभी भी मिल जाती है, हैं? और बाबा का कीर्तन तो बहन बेटियों के। लेकिन बाबा जी ये मत सोचना कि मैंने अपना ही 12 में सोचा है। लंदन के फूलों से श्रृंगार सजाऊंगा, ओ लंदन के फूलों से मैं श्रृंगार सजाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा। बाबा धन्यवाद। कीर्तन कराऊं ऐसा सेवक